देखो यहाँ ध्यान देना, हम कैंडल जला रहे हैं, हैप्पी बर्थडे करेंगे, जल जाए यार, जल गया। तो देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं कैंडल से, पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग कैंडल से, पहले भी कैंडल से पढ़ते थे, लेकिन वो पहले कैंडल जला के किताब पढ़ते थे। अब हम लोग कैंडल को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, कैंडल को पढ़ेंगे। तो ये ध्यान देंगे, जो आप लोग ये कैंडल है, तो कैंडल के ऊपर जो ये फ्लेम है, ये क्या है, फ्लेम, ये ऑलवेज हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में ही जाता है ना, हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में ही जा रहा है। इसको अगर हम ऐसे करते हैं, ध्यान देंगे ऐसे करते, तो भी ये ऊपर के डायरेक्शन में ही जा रहा, कहाँ जा रहा है ये, ऊपर के डायरेक्शन। इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो भी ये ऊपर के ही डायरेक्शन में जाता है। ये फ्लेम हमेशा कैसे जाता है, ऊपर के डायरेक्शन में जाता है। आखिर इसका रीज़न क्या है कि जो फ्लेम होता है ऑलवेज ऊपर के डायरेक्शन में ही जाता है। होता क्या है कि जो ये फ्लेम है ना, ये हीट देता है, क्या देता है, हीट देता है। तो हीट की वजह से यहाँ पर जो आस पास में इसके एयर हैं वो गर्म हो जाते हैं, क्या होते हैं, गर्म। और जब वो एयर गर्म हुए ना, तो वो एयर गर्म हो करके आप लोग जानते हैं ना, गर्म एयर क्या होता है, ऊपर की तरफ फ्लो करता है, कहाँ फ्लो करता है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये गर्म एयर ऊपर की तरफ जब फ्लो करता है तो अपने साथ फ्लेम को भी ऊपर लेके जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फ्लेम होता है वो एयर के साथ क्या करता है, फ्लो करता है। जब एयर ऊपर जाएगा तो फ्लेम भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम ऐसे रखें या ऐसे रखें, ऑलवेज फ्लेम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, जलाना था इसको थोड़ा सा तार को बजा करके, ठीक है ना। देखो देखो इसमें भी फ्लेम कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो फ्लेम ऑलवेज ऊपर जाता है, कहाँ जाता है, फ्लेम ऑलवेज ऊपर, हमेशा फ्लेम ऊपर ही जाएगा। इसका रीजन आप लोगों को पता है कि इसके आसपास का एयर क्या हो गया, गर्म हो गया। और गर्म एयर कहाँ उठता है, ऊपर की तरफ उठता है। और जब गर्म एयर ऊपर की तरफ उठेगा तो अपने साथ ये फ्लेम को भी ऊपर लेकर के जाता है। समझ में आ गया।